नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 220 वोल्ट क्लॉक ऑपरेटर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 225 के 450 वोल्ट कैपेसिटर और दो पीस 1N4007 डायोड। उसके बाद एक डायोड का कैथोड पिन और एक डायोड का एनोड पिन हम इस कैपेसिटर के किसी भी एक पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 के 2 वाट रेजिस्टर और एक 100 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम इस डायोड के एनोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 100 के रेजिस्टर को हम इस डायोड के एनोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 10 के रजिस्टर और एक एलईडी बल्ब। उसके बाद इस 10 के रजिस्टर को हम इस कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस एलईडी का पॉजिटिव पिन हम इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम इस कैपेसिटर के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक 220 वोल्ट क्लॉक ऑपरेटर सर्किट अपने घर पे ही बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।